चलिए बड़ी खबर मिल रही राजधानी रायपुर से, जहां बिलईगढ़ विधायक एवं संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के घर ईडी का छापा पड़ा है। बता दें कि विधायक के पैतृक गांव बालपुर में सुबह से ईडी ने दबिश दी है और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय को रायपुर निवास में ईडी की टीम ने हिरासत में लिया है। तो आज सुबह से ही कांग्रेस के कई नेताओं के घर ईडी का छापा पड़ा है और ईडी की टीम ने विधायक चंद्रदेव राय के घर के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी है। तो राजधानी रायपुर में सुबह से ही ईडी की दस्तक हुई और कई कांग्रेस नेताओं के घर छापे पड़े हैं। उन्हीं में से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिलईगढ़ विधायक एवं संसदीय सचिव चंद्रदेव राय के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। विधायक के पैतृक गांव बालपुर में सुबह से ही ईडी ने दबिश दी है और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय को रायपुर निवास में ईडी की टीम ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद ईडी की टीम ने विधायक चंद्रदेव राय के घर के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी है। इस पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अभी जानकारी मिली है कि बिलईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय के यहाँ भी छापा पड़ चुका है। तो ये सारी घटनाओं के बारे में कितनी जगह छापा पड़े इसकी जानकारी आदरणीय मोहन मरकाम जी ने दी, मैडम ने भी आपसे बात की, लेकिन मुख्य रूप से डरे हुए लोग हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूँ, लेकिन अडानी पर नहीं बोलकर ये बता दिया कि अडानी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भारी है। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी,